दोस्तों, आज डिजिटल जमाना है। आज के जमाने में हर किसी के पास मोबाइल या लैपटॉप होता ही है। इन मोबाइल या लैपटॉप या दूसरे डिजिटल उपकरणों को चलाने के लिए एक ईमेल आईडी की जरूरत होती है। आज गूगल कितना फेमस है इसे बताने की जरूरत नहीं है। गूगल के ईमेल आईडी को जीमेल आईडी या गूगल अकाउंट कहा जाता है। हम एक ही जीमेल आईडी बनाकर गूगल के सभी ऐप का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ईमेल आईडी कैसे बनाया जाता है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए और वीडियो में बताए गए स्टेप को फॉलो करके आप आसानी से अपना ईमेल आईडी बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। दोस्तों, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ। मोबाइल से ईमेल आईडी बनाने के लिए आप अपने मोबाइल में जीमेल ऐप को सर्च करेंगे। जीमेल ऐप हर किसी के मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल होता है। अगर किसी कारणवश आपके मोबाइल में जीमेल ऐप इंस्टॉल ना हो तो आप इसे प्ले स्टोर पर जाकर जीमेल सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जीमेल ऐप के नीचे जीमेल लिखा हुआ मिलेगा, इसे आप टच करेंगे। टच करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर राइट साइड में आपका प्रोफाइल आइकन दिखाई देगा, उसे आप टच करेंगे। टच करने के बाद आपको नीचे ऐड अनदर अकाउंट दिखाई देगा। अगर आपके पास कोई पहले से अकाउंट ऐड नहीं होगा तो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। मेरे केस में पहले से ही 3 अकाउंट ऐड है तो मुझे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐड अनदर अकाउंट को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, इसमें गूगल को क्लिक करेंगे। गूगल को क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल को अनलॉक करने का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आप अपने पैटर्न, पिन या फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर जीमेल और फोन नंबर का ऑप्शन रहेगा, उसके बाद फॉरगेट ईमेल का ऑप्शन रहेगा, उसके नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन रहेगा। अगर आप किसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप ऊपर अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। आगे आपको पासवर्ड पूछा जाएगा जिसे डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी मैं नया अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन दिखाई देगा। एक ऑप्शन है फॉर माई सेल्फ और दूसरा है टू मैनेज माई बिजनेस। अगर आप जीमेल अकाउंट खुद के लिए बनाना चाहते हैं तो फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करेंगे। अगर आप जीमेल अकाउंट अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं तो आप टू मैनेज माई बिजनेस को क्लिक करेंगे। यह अकाउंट मैं अपने भाई के लिए बनाना चाहता हूँ तो मैं फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें फर्स्ट नेम और सर नेम लिखने का ऑप्शन दिखाई देगा। सर नेम ऑप्शनल है, इसे आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अब इसे कैसे भरा जाता है वो मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए किसी का नाम मदन कुमार है तो वह फर्स्ट नेम में मदन लिखेगा और सर नेम में कुमार लिखेगा। अगर किसी का नाम 3 अक्षर का है, मदन कुमार यादव, तो वह फर्स्ट नेम में मदन कुमार लिखेगा और सर नेम में यादव लिखेगा। मेरे भाई का नाम सत्यम कुमार है तो मैं फर्स्ट नेम में सत्यम लिख देता हूँ और सर नेम में कुमार लिखता हूँ। फर्स्ट नेम और सर नेम लिखने के बाद नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आपका बर्थडे और जेंडर लिखना होगा।
बर्थडे और जेंडर लिखने के बाद आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना जीमेल आईडी लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप कोई भी अब जीमेल आईडी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, उसे आप बिना स्पेस के लिखना होगा। याद रखिए इसमें आप नाम लिखने के बाद कुछ अक्षर लिख दें ताकि आपको वह अवेलेबल मिल जाए। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो नीचे लिख के आएगा दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अगेन, तो आप उसमें कुछ चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। याद रखिए पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। पासवर्ड क्रिएट करते समय आप लेटर, नंबर और सिंबल का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई मोबाइल नंबर शुरू में दे सकते हैं, बाद में इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। आप शो पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड देख भी सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यस आई एम इन को क्लिक करेंगे। आपका जो ईमेल आईडी बन जाएगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। थोड़ा देर वेट करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप ऊपर दाएं तरफ प्रोफाइल पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट देख सकते हैं। अभी जो मैंने जीमेल अकाउंट क्रिएट किया वह नीचे आ चुका है। इस तरह आप आसानी से अपना जीमेल आईडी बना सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।